बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये देखिए मेरा एक छोटा सा स्नेक प्लांट है जिसमें मदर प्लांट से भी बड़ा उसका बेबीज़ आया हुआ है। ये देखें, ये उसका बेबीज़ जो है वो मदर प्लांट से भी बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने इसको अभी तक प्रोपोगेट नहीं किया था। अभी मैं इसको अलग करके इसमें से फिर लगाऊंगी। और ये देखिए, कुछ बड़े वाले स्नेक प्लांट की मैंने रूटिंग के लिए बोतल में पानी डाल के रखा हुआ है, और ये देखिए उनके छोटे छोटे बेबीज़ भी निकल आए, रूटिंग भी हो गई है। ये भी आज हम प्रोपोगेट करेंगे बिल्कुल परफेक्ट कैक्टस सॉइल में। वो भी मैं बताऊँगी कैक्टस सॉइल कैसे बनती है। ये देखें, ये भी इसकी रूटिंग स्टार्ट होगी, और कितना खूबसूरत एक छोटा सा बेबी उसका भी बना हुआ है। तो ये सब आज हम सॉइल में लगाएंगे, कैक्टस सॉइल में, और आपको बताएंगे कि कैक्टस सॉइल का क्या परफेक्ट तरीका है बनाने का। मैं उसका रेशो आपको बताऊंगी। और ये देखें, ये सारे जब जर्मिनेट करूंगी, जब इनकी सारी रूटिंग्स हो जाएगी, फिर इनको मैं लगाऊंगी अलग। ये देखें, ये छोटे छोटे पॉट्स में लगाऊँगी मैं। और ये है मेरी कैक्टस सॉइल। कैक्टस सॉइल में आप को मैं बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले तो कोकोपीट, फिर परलाइट और ब्रिक चिप्स और चारकोल, सैंड और कंपोस्ट न्यूट्रिशन के लिए। ये सब एक ही मिकदार की चीज़ें मिक्स कर लें आप, और परफेक्ट, और थोड़ा फंगीसाइड भी डालिएगा ज़रूर, ताकि वो कोई फंगस वगैरह ना लगे, ठीक है। ये परफेक्ट सॉइल है कैक्टस की। मैंने सारे इसी में ही लगाए हुए अपने कैक्टस, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे इन सब का। और यही एक पक्का और परफेक्ट सॉइल है। ये देखें, ये सारे कैक्टस मैंने इसी में लगाए हुए हैं। ये भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है ज़ेब्रा प्लांट, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, उसके भी बेबीज आ रहे हैं छोटे छोटे। और इसके भी देखें, ये भी एक छोटा मेरे पास है एलोवेरा का प्लांट, छोटी किस्म का, तो इसकी भी देखें, ये एक छोटा सा बेबीज़ आया, लेकिन अभी मैं इसको अलग से नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये ज़रा ज़्यादा छोटा है। और मेरे पास हैं ज़ेब्रा, ये वाले प्लांट एलोवेरा के, इनको मैं कल इंशाल्लाह आपको अलग करके उसके बेबीज़ लगा के दिखाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अभी। और इन्हीं पॉट में मैं ये उसी तरह अपनी जाली लगा के, क्योंकि मैं जाली ज़रूर लगाती हूँ अंदर, ताकि इनके अंदर से मिट्टी बाहर ना आ सके। ये देखें, ये पॉट में मैं ज़रूर लगाती हूँ, और ये लगाना चाहिए क्योंकि इससे फिर वो गंद वगैरह नहीं निकलता बाहर पानी देते वक्त। ये देखिए, इन हॉल से पानी नहीं आएगा बाहर, पानी तो आएगा लेकिन मिट्टी बाहर नहीं आएगी। और वैसे भी कैक्टस सॉइल थोड़ी मोटी होती है, तो उसमें से नहीं निकलती। ये देखिए, मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी इसको फिल कर लें। ये देखें, ये इसमें ब्रिक चिप्स भी हैं, और बड़े बड़े छोटे छोटे मिक्स पत्थर से हैं, और चारकोल के भी हैं, तो यही इनको वेल ड्रेन सॉइल बनाती है चीज़ें। ये देखें, इसका छोटा सा बेबीज़ है, ये ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, बस हल्का सा बाहर रहना चाहिए। तो अब ये इसके अंदर बहुत अच्छी जल्दी से ग्रोथ करेगा, पानी से भी जल्दी। मैं दो पीस इसके अंदर लगाऊंगी, हल्की हल्की ऊपर सॉइल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बस इनको थोड़ा सा स्टेबल करना है, बस हल्का सा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इनको अंदर कर दें कि ये बेबी भी अंदर दब जाए इसका। ये देखें, हल्का सा बाहर ही है, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी मैं इसके साथ ही लगा दूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इनकी रूटिंग नहीं है, तो एक ही पॉट में ये दोनों लग सकते हैं। जब इनकी ज़्यादा रूटिंग हो जाए तो फिर हम इनको बड़े किसी पॉट में लगा देंगे, जब इनके बेबीज़ भी बड़े हो जाएंगे तब। ये देखें, इसके ऊपर भी मैंने हल्का हल्का डाल दिया, और फिर लास्ट में मैं इनके ऊपर मार्बल वाली चिप्स डाल दूँगी, ताकि इनका पानी देते वक्त बाहर ना आए मिट्टी। ये हल्का हल्का हाथ से प्रेस कर दें ताकि ये खड़े हो जाए बस, और बार बार हिले नहीं, ज़्यादा हिलने से रूटिंग फिर डिस्टर्ब होती है। ये देखें, हल्के हाथ से बस इनको प्रेस कर दें, और ये देखें नज़र आ रहा है इसका छोटा वाला बेबी, ठीक है। तो इसका भी थोड़े दिन तक ये बाहर आ जाएंगे, और जगह जगह से इसके पब्स निकल आएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, ये अभी है, इसकी रूटिंग बहुत कम है, सिर्फ एक ही रूट निकली हुई है, एक या दो। तो जब ये सारी लाइन आ जाएगी यहाँ रूटिंग की, फिर मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी। और इनकी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, ये अभी 10-11 दिन ही हुए हैं। बाकी जिनकी रूटिंग हुई और पब्स आए, इनको 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए मेरा एक छोटा स्नेक प्लांट, इसको मैं पूरा निकाल कर तो इसको अलग करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही मैंने इनको अलग किया तो इनकी रूट ख़राब हो सकती है। ये देखें, पूरा रूट बाउल इनका निकल आया। ये देखें, ये आहिस्ता से बहुत एहतियात से इनको अलग करना है। साफ़ कर लें पहले इसके ऊपर से सारी मिट्टी आप,
फिर आहिस्ता से देखें, अगर हाथ से होता है तो ठीक है, नहीं तो किसी कैंची की मदद से आप इसको अलग कर सकते हैं। मैं कैंची की मदद से ही करूँगी क्योंकि मुझे डर लगता है कि इसकी रूट्स टूट ना जाए। ठीक है, तो एहतियात अच्छी होती है और पहले ही एहतियात कर लें तो अच्छा है, बाद में पछताने का फ़ायदा कोई नहीं। ये देखें, ये मैंने इसको दो हिस्से कर लिए, ये है, ये बेबी है इसका, ये बेबी प्लांट है और ये मदर प्लांट है, बेबी मदर से भी बड़ा हो गया है। तो माशाल्लाह, अब ये देखें, मैं इसको लगाऊंगी अपने इस पॉट में तो ये दोनों बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और थोड़े दिन तक इसी में फिर और पब्स निकलना शुरू हो जाएंगे और ये दोनों तरफ से भर जाएगा। फिर ये देखें, इसको हल्का हल्का इसकी रूट्स के ऊपर ये डाल दें, यही है ब्रिक्स चिप्स वगैरह, इन्हीं से ये वेलड्रेन बनती है सॉइल और बहुत अच्छे माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट है। मैंने पहले एक दो दफ़ा ऑनलाइन मंगवाई है, अब फिर मैंने इसको ख़ुद बनाना शुरू कर दिया और हर चीज़ माशाल्लाह एक ही रेशो से डालनी है आपने, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इसकी भी सारी रेशो, तो आप इंशाल्लाह ख़ुद घर बना सकते हैं परफेक्ट कैक्टस सॉइल। बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका और बिल्कुल भी ये ख़राब भी नहीं होती, जैसे कि कोई फंगस नहीं लगता, जैसे कोई कीड़ा भी नहीं आता इसमें, जैसे दूसरी सॉइल में कभी कभी लंबे लंबे कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसमें नहीं पैदा होते हैं। अरसे तक ये लगी रहती है लेकिन इसमें कीड़े पैदा नहीं होते। फंगीसाइड ज़रूर डालिएगा, सब फंगीसाइड के यही फ़ायदे हैं कि उसमें कीड़े नहीं लगते। ये देखें, ये भी एक प्लांट बन गया और अब इसमें मैं दूसरा लगाऊँगी। बस एहतियात ही करनी कि रूट्स ना टूटें और नीचे पहले हल्का सा डाल लें, उसके ऊपर प्लांट रख के उसकी रूट्स बिछा के फिर बाकी उसके ऊपर डालें। ये देखें कितनी वेलड्रेन सॉइल है, देखें फील होता है जैसे सारे पत्थर ही हैं, सॉइल है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन होती है और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी करते हैं ये चीज़ें, स्पेशली ये कैक्टस वगैरह और सकुलेंट वगैरह दोनों के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है और दोनों ही इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और पानी आपने इनको बिल्कुल भी नहीं देना, अभी जैसे कि मैंने लगा दिया, ये हल्की हल्की सी नम है मेरी ये सॉइल जो है, तो मैं आज इनको पानी नहीं दूंगी, मैं कल दूंगी एक बार और फिर उसके बाद पूरे एक वीक के बाद मैं इनको, ये जो स्नेक प्लांट है ये और कैक्टस, में इनको एक एक वीक दो दो वीक के बाद पानी देती हूँ। लेकिन इनको ज़रूरी है कि आप किसी धूप में ना रखें, किसी शेडी एरिया में रखें, अगर धूप में रखेंगे तो वो तो फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और पानी भी देना पड़ेगा। ये शेडी एरिया में मैंने अपने टेरेस में रखे हुए हैं, स्पेशल कैक्टस गैलरी बनाई हुई है मैंने, वहाँ मैं रखती हूँ इनको, तो इनको मुझे पूरा हफ्ता डेढ़ हफ्ता पानी नहीं देना पड़ता और फिर भी इस सॉइल में बहुत बहुत अच्छे चलते हैं माशाल्लाह। आप भी ये बनाएं, यूज़ करें और आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा कि इस सॉइल में ऐसे प्लांट कितनी अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे फिट हो गए इसके अंदर माशाल्लाह। और बाकी और प्लांट मैं इस तरह आपको प्रोपगेशन करके दिखाऊंगी, एक दो दिनों तक और भी हैं प्लांट में, नेक्स्ट अगली वीडियोस में ज़रूर आपको दिखाऊंगी, तब तक कि इनकी भी रूट्स निकल आएंगी ये बड़े वाले स्नेक प्लांट्स की। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ अभी इस चैनल में और आप भी न्यू हैं अगर मेरे जो देखने वाले, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अब ये देखें, मैं इसके ऊपर डालूँगी हल्की हल्की मार्बल की चिप्स, ताकि वही फिर सफाई का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ताकि मिट्टी बाहर ना आए, वरना हम पानी देंगे तो ज़रूर ऊपर मिट्टी आ जाती है और वो अच्छी नहीं लगती, और ये तो होती भी ऐसी है कि जुड़ती नहीं है ज़रा भी और ये सारी सीधी ही बाहर आ जाती है। ये देखें इसके अंदर हल्की हल्की डालेंगे और इससे खूबसूरत भी लगता है प्लांट, बहुत प्यारा लगता है इसके साथ। ये देखें इसके ऊपर भी, और इससे एक वज़न पड़ता है प्लांट के ऊपर, रूट्स के ऊपर, और वो बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है प्लांट के अंदर, बिल्कुल एक लेयर सी बन जाती है ऊपर वाइट पत्थरों की, जिससे प्लांट हिलता नहीं है ज़रा भी। ये भी आप ज़रूर यूज़ किया करें, स्पेशली कैक्टस में, सकुलेंट में, छोटे पॉट्स में इस तरह के। ये देखें, और देखने में भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसके इसकी आगे, क्योंकि ये देखें ब्लैक सॉइल नज़र आती है, ये इससे वाइट वाइट खूबसूरत हो जाता है पॉट और भी। तो मैं तो ज़रूर ये यूज़ करती हूँ, या इसके ऊपर हम पोमिस्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो ना हो तो आप ये मार्बल के चिप्स यूज़ करें, ये उससे भी बेहतर रहते हैं। बिल्कुल भी इनको ना फील नहीं होता कि कोई गंद बाहर आ रहा है या कुछ, खूबसूरत भी लगते हैं और सफाई भी रहती है। ये देखिए मेरे प्लांट,
उम्मीद है आप भी इसी तरह अपनी आसानी से अपने प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर थोड़ा सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे अपने घरों में, और हर किस्म की आपको तकलीफ़ों से दूर रखें। आमीन।